हेलो चुनेंस, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जिनमें रिएक्टेंट सेम होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट सेम होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अमोनिया की रिएक्शन आप कराते हैं किसके साथ में, Cl2 के साथ में, तो प्रोडक्ट जो बनता है आपका NH4Cl और ये बन गया आपका नाइट्रोजन गैस। ध्यान दीजिए, एक दूसरी रिएक्शन में बातचीत कर रहा हूँ। अमोनिया की रिएक्शन अगर आप कराते हैं किसके साथ में, Cl2 के साथ में, तो ये आपका NCl3 बनता है और ये आपका HCl बनता है। ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। देखिए भाई, रिएक्टेंट सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्टेंट सेम हो गया, रीजन क्या होता है, ये रिएक्टेंट डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में डले हुए होते हैं तभी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, रेशियो पार्ट हम कैसे मेमोराइज करें, मेमोराइज नहीं करना, मैं ट्रिक बताता हूँ ये पार्ट कैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे एक और कुछ रिएक्शन ले लेता हूँ, कार्बन की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ में, ये कंबशन रिएक्शन है, CO बनता है। कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ में कराएंगे, CO2 भी बनता है। ये पार्ट हो गया, ध्यान दीजिए। कुछ और रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे P4 की रिएक्शन Cl2 के साथ में कराएंगे तो बनता है PCl3, और P4 की रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ में तो क्या बनता है, PCl5। ये हो गया भाई, ध्यान दीजिए, रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट हैं। रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट हैं। रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट हैं। ये रिएक्शंस पॉसिबल हैं। अब देखिए भाई, डिटरमिन कैसे करें कि कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों की रिएक्शन जब हो रही है तो हमें ये प्रोडक्ट लिखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लिखना चाहिए, जब ये रिएक्शन हो रही तो हमें ये प्रोडक्ट लिखना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लिखना चाहिए। ध्यान दीजिए भाई, तो यहाँ पे इन जनरली ये जो रिएक्शंस होती हैं रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और रेडॉक्स में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो एक जो टाइनी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है ऐसे में सबसे छुटकारा पाने के लिए। ठीक है भाई, मान लिया जाए कि एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका हो रहा है रिडक्शन, और एक हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, और यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए भाई, अगर इस रिएक्शन में, इस रिडॉक्स रिएक्शन में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में लिया हुआ है, लार्ज क्वांटिटी में लिया हुआ, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लिया हुआ है, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एक्सेस में लिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिया है इन कंपेरिजन टू दिस वन, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर और एरो अपवर्ड कर देता हूं, मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान दीजिए भाई, अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में लिया हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का होगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर डाउनवर्ड कर देता हूं तो लोअर। ध्यान दीजिए, बहुत ही टाइनी इंफॉर्मेशन, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ध्यान दीजिए, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में दिया है तो जो प्रोडक्ट होगा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा भाई, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपका एक्सेस में दिया है तो बनने वाला प्रोडक्ट, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बनेगा। ये ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ज़्यादा हुआ प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ध्यान दीजिए भाई, मतलब क्या है कि सबसे पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकाल देते हैं। इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3, ये Cl2 है, 0 हो गया। इसमें अगर आप देखें नाइट्रोजन कितना शो कर रहा है, -3 सेम हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा, तो इसको हटा देते हैं। अगर नाइट्रोजन के देखें तो यहाँ पर 0 हो जाता है, Cl क्या हो जाता है भाई, -1 हो जाता है, सिंपल। अच्छा, दूसरी रिएक्शन में आते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन -3, ये तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें आइए हैलोजन लगा हुआ है, -1 होता है, तो Cl क्या होता है, -1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +3 हो जाएगी। ठीक है भाई, ये तो पार्ट हो गया, एच की प्लस और Cl की माइनस, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए भाई, Cl तो ये तो सेम हो गया, 0 to -1, 0 to -1। ठीक है भाई, अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, नाइट्रोजन यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं नाइट्रोजन की, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए,
यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जाएंगे, नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है, माइनस थ्री टू जीरो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एरो नीचे कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का अगर इंक्रीज हो रहा है समझ लीजिए उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी एलिमेंट का कंपाउंड का डिक्रीज हो रहा है मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इसका माइनस थ्री इसका जीरो है तो क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं सी एल टू के बारे में बात करूँ तो सी एल टू सी एल यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर माइनस वन है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह आपका काम करेगा, ठीक है भाई। सेम इज द केस हियर आल्सो, इसमें अगर आप देखें माइनस थ्री है, यहाँ पर प्लस थ्री है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो मतलब क्या है कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये Cl है और यहाँ पर Cl है, इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जो सबसे पहले रोल है जो आपको डिटरमिन करना है, रिएक्टेंट में जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं ये डिसाइड करिए कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें नाइट्रोजन के केस में, यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो बनने वाला प्रोडक्ट है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, अब दोनों को कंपेयर करिए, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट नाइट्रोजन का बना हुआ है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, सीएल के केस में सेम ही है जीरो एंड माइनस वन, यहाँ पर भी जीरो और माइनस वन, जो वेरिएशन आ रहा है नाइट्रोजन के केस में आ रहा है, ठीक है। ये तो आपका सेम ही है तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ से डिसाइड करिए, यहाँ पे अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड, अगर प्रोडक्ट आपका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म किया जाता है तो आपका रिएक्टेंट एक्सेस में डला हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका नाइट्रोजन कौन सा है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है। लीजिए मैंने डाल दिया एक्सेस में, इस रिएक्शन में अमोनिया आपका एक्सेस क्वांटिटी में डला हुआ है, इसी वजह से जो प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में डला है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा डला हुआ है इन कंपेरिजन टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर का बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में डला हुआ है। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर जीरो है नाइट्रोजन की, यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस थ्री है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में डला हुआ है। यही पार्ट मैंने बोला हुआ था कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में डाले हुए होते हैं, इस वजह से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है डिफरेंट हो जाता है और डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है भाई। ये पार्ट हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या डिटरमिन करना है इन रिएक्शन में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा डला है रिएक्शन में तो प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट अगर आपका एक्सेस में डला हुआ है मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होगा। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें भी डिफरेंट रेशियो विल बी देयर। इसमें अगर आप देखें कार्बन इज जीरो, कार्बन इज प्लस टू बिकॉज ऑक्सीजन इज माइनस टू। यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन इज जीरो, यहाँ पर ऑक्सीजन इज माइनस टू, तो कार्बन कितना हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से कार्बन टू कार्बन जाएंगे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जाइए, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगी, तो जीरो से माइनस टू रिडक्शन हो रहा है मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें आइए, ये आपका कार्बन के बारे में बात करें, ये आपका जीरो हो गया, ए प्लस फोर हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें ये जीरो है, जीरो टू माइनस वन, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है बिकॉज इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। आप ध्यान दीजिए भाई, अगर दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन जाता हूँ तो जीरो टू माइनस वन, जीरो टू माइनस वन सेम ही दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है वो सेम ही दिखा रहा है। अगर आप कार्बन में जाइए, इस रिएक्शन में कार्बन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना रहा है, इस रिएक्शन में कार्बन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में जो कार्बन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, इस रिएक्शन में कार्बन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, प्लस टू एंड प्लस फोर। प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हुआ मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में डला हुआ है। इसमें ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपका कार्बन एक्सेस क्वांटिटी में डला हुआ है, ठीक है।
यहाँ पर बोला जाता है इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब कार्बन के साथ में दिस इज ए कंबशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में जब इनसफिशियंट मतलब क्या है कि लेस क्वांटिटी में ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है, मतलब क्या है कि जो कार्बन दिया है एक्सेस क्वांटिटी में डला हुआ है, एक्सेस क्वांटिटी में, ठीक है भाई। तो ये पार्ट बहुत ही आसानी से आप डिटर्मिन कर सकते हैं। इसमें आइए, अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म हो रहा है प्लस फोर्स, मतलब यह है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में डला है। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ये आपका एक्सेस में डला है, ठीक है, ये हो गया भाई। तो इस कंबशन रिएक्शन में इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड, सफिशियंट, और इसमें से इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सप्लाइड, तब ये रिएक्शन होती है और तभी तभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इनका रेशियो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डिफरेंट हो जाता है, इस वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, लगते हैं कि सेम रिएक्टेंट हैं, बट यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिए भाई, इस रिएक्शन में ये पी फोर है जीरो हो गया, सी एल टू जीरो हो गया, इसमें अगर आप देखें सी एल माइनस वन तो पी क्या हो जाएगा? प्लस थ्री हो जाएगा। यहाँ पे पी जीरो हो गया, ये सी एल जीरो हो गया, यहाँ पर सी एल क्या है? माइनस वन, और ये के पी हो गया प्लस फाइव हो गया। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सी एल का देखें तो दोनों के केस में जीरो टू माइनस वन, जीरो टू माइनस वन, छोड़ दीजिए। अब देखिए फास्फोरस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें ये जो फास्फोरस है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर फास्फोरस है प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका फास्फोरस टू फास्फोरस जीरो टू प्लस थ्री ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सी एल टू जीरो टू माइनस वन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सेम इज द केस हियर आल्सो, जीरो टू प्लस फाइव ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। जीरो टू माइनस वन इन केस ऑफ क्लोरीन, तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पार्ट हमने डिटरमिन कर लिया। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री, इसमें प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव हो रहा है। तो जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म होता है, मतलब यह है कि रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है ये? तो इसमें आपका अगर आप देखें तो फास्फोरस एक्सेस में डला हुआ है। इस रिएक्शन में फास्फोरस जब आपका एक्सेस में डला हुआ है, तभी प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो डला हुआ है एक्सेस में डला हुआ है, एक्सेस में डला हुआ है। बहुत ही सिंपल और शानदार मेथड है, जो ऐसे में सबसे आप छुटकारा पा सकते हैं। और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में मेंशन करता हूँ, देखिए उनको कितनी आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोर्ड में कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखें कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में हो रही है, ये रिएक्शन हो गई। यहाँ पर भी कॉपर की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में हो रही है, यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट दिया, इसमें NO बन रहा है, इसमें NO2 बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें कोफिशियंट दिया है, कोफिशियंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कोफिशियंट को यूज करके आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो यह ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें सेम रिएक्टेंट पर प्रोडक्ट यहाँ पे डिफरेंट बन रहा है, रेस्ट पार्ट आपका सेम हो गया, पर यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपका डिफरेंट हो गया। इसमें अगर आप देखें इसमें भी ये सिचुएशन आ जाती है, ध्यान दीजिए भाई। अच्छा, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो गई, इसमें से नाइट्रोजन की 3 टू जे 6 ए प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। सेम इज द केस हियर आल्सो, यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है भाई। अगर ऑक्सीजन माइनस 2 है तो नाइट्रोजन प्लस 2 शो करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन अगर माइनस 2 है तो 2 ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाए। कॉपर की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें नाइट्रेट आयन माइनस 1 है तो 2 नाइट्रेट आयन है, तो टोटल चार्ज यहाँ पर माइनस 2 हो जाएगा, तो कॉपर का प्लस 2 हो जाएगा। या क्रिस्क्रॉस कर लीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 इधर जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो नाइट्रेट आयन का चार्ज माइनस 1 और कॉपर का प्लस 2 हो जाएगा। सेम इज द केस, ये कॉपर यहाँ पर प्लस 2 शो करेगा, ठीक है भाई। हम डिटरमिन कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, फिर इसके बेसिस पर हम डिटरमिन करेंगे कौन सा एक्सेस में क्वांटिटी में दिया है, कौन सा, ठीक है, ये पार्ट है, लेस क्वांटिटी में दिया। लेस क्वांटिटी मतलब क्या है कि अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस क्वांटिटी में दिया हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका लेस क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी में दिया होगा, सिंपल पार्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, अगर कॉपर से कॉपर जाते हैं, कॉपर टू कॉपर, तो क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जीरो से प्लस 2, इसका मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई।
नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जाते हैं, यहाँ पर प्लस फाइव है, यहाँ पर प्लस टू है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये पार्ट हो गया भाई। इसमें अगर आप देखें जीरो टू प्लस टू मतलब ऑक्सीडेशन, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, प्लस फाइव टू प्लस फोर रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर कॉपर टू प्लस, कॉपर टू प्लस, कॉपर जीरो, जीरो टू प्लस टू दोनों के केस में दिया हुआ है, तो यहाँ से हम डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। आप आइए जहाँ पर वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर नाइट्रोजन प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ध्यान दीजिए भाई। तो मतलब क्या है कि नाइट्रोजन यहाँ पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना रहा है। प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है। इस रिएक्शन में अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट जो कॉपर दिया हुआ है, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा डली हुई है इन कंपेरिजन टू नाइट्रिक एसिड। तो कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है कि भाई ये डायल्यूट, कोल्ड एंड डायल्यूट लिया गया, ठीक भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर अगर आप बोलें, यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर इसमें अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ हायर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा डली हुई है, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। इसमें आइए भाई, ये जीरो हो गया फॉस्फोरस, ऑक्सीजन टू है, टू टू जब फोर माइनस फोर हो जाएगा, टू सी एल है, ये प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें हेलोजन कितना हो गया माइनस वन, यहाँ पर ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे प्लस फोर, यहाँ पर अगर सी एल माइनस वन है तो ये प्लस वन शो करेगा, ठीक है। ठीक है, टू सी एल है तो माइनस टू, टू सल्फर है तो माइनस प्लस टू हो जाएगा। यहाँ पे जीरो हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, एस ओ टू, इसको आप एस ओ सी एल टू कर लेते हैं, तो ये प्लस फोर कर देते हैं, ये प्लस फोर कर देते हैं, ठीक भाई। ऑक्सीजन बैलेंस करना है, एट ऑक्सीजन, फोर टू जाए एट ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें टू टू या फोर और ये आपका टू सी एल दिया, तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट की प्लस सिक्स हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सी एल इज माइनस वन, तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फाइव हो जाएगी, और टू ऑक्सीजन दिया हुआ, ईच ऑक्सीजन इज माइनस टू, तो सल्फर कितना हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप डिटरमिन कर लीजिए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फास्फोरस जीरो है, यहाँ पर फास्फोरस प्लस थ्री है, मतलब जीरो टू प्लस थ्री इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अगर मैं सल्फर के बारे में बात करूँ तो सल्फर टू सल्फर प्लस फोर दिया है, अगर इस सल्फर से इस सल्फर जाएंगे तो ये प्लस वन हो जाता है, प्लस फोर टू प्लस वन, प्लस फोर से आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, प्लस फोर टू प्लस वन जाइए मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या है कि भाई ये आपका रिडक्शन शो कर रहा है, मतलब है कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसमें आइए जीरो टू प्लस फाइव ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये हो गया। ये आपका प्लस सिक्स है, यहाँ पर प्लस फोर है, रिडक्शन या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर आप फास्फोरस के बारे में बातचीत करें तो फास्फोरस यहाँ पर प्लस थ्री शो कर रहा है, फास्फोरस यहाँ पर प्लस फाइव शो कर रहा है, तो फास्फोरस प्रोडक्ट ऑफ फास्फोरस इज फाउंड ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये फास्फोरस का जो प्रोडक्ट बन रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म हो रहा है, मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है एक्सेस में डला हुआ है, लीजिए ये क्वांटिटी आपकी एक्सेस में डली हुई है, ये पार्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे अगर आप देखें फास्फोरस आपका प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्वांटिटी आपकी एक्सेस में डली हुई है, ये क्वांटिटी आपकी एक्सेस में डली हुई है। चलिए इसके बाद में हम लोग और भी कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस के बारे में बातचीत करते हैं। बोर्ड में मैंने कुछ और इक्वेशंस लिए हुए हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में हो रही है, यहाँ पर भी जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में हो रही है, यहाँ पर बी आर टू की रिएक्शन एफ टू के साथ में, बी आर टू की रिएक्शन एफ टू के साथ में, आई टू की रिएक्शन सी एल टू के साथ में, आई टू की रिएक्शन सी एल टू के साथ में, परंतु डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे कोफिशियंस में मत जाइए, केवल आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, वहाँ से आपको डिटरमिन करना है किसका रेशियो ज़्यादा है किसका रेशियो कम है, ठीक भाई। यहाँ पे अगर आप देखें जिंक जीरो हो गया, ये आपका टू है, ये वन है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू हो जाएगी, ठीक है भाई। नाइट्रोजन यहाँ पर प्लस फाइव शो करेगा क्योंकि ऑक्सीजन थ्री है, थ्री टू जै सिक्स, ये प्लस वन लगाए, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है,
ठीक है, H2 डला हुआ है, वाटर डला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 ऑक्सीजन 2 नाइट्रोजन क्रिस क्रॉस करिए इस नंबर को, 2 इधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, 1 इधर आएगा तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है भाई। तो अगर आप जिंक टू जिंक जाते हैं, 0 to +2 शो कर रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। अगर नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन जाते हैं तो यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +1 है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। इसमें आइए, यहाँ पर अगर आप देखें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, बट इसमें अगर आप देखें NO2 टू ऑक्सीजन लगा हुआ है, 1 ऑक्सीजन इज -2, तो 2 ऑक्सीजन -4, मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगी। तो ये +5 से +4 जा रहा है, इन केस ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, जिंक टू जिंक 0 to +2, जिंक टू जिंक 0 to +2, मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट किसके केस में आ रहा है, इसमें अगर +1 है, इसमें +4 दे रहा है भाई। नाइट्रोजन इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना रहा है, नाइट्रोजन इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना रहा है, और बाकी पार्ट सेम डला हुआ है, ये भी वाटर है, जिंक नाइट्रेट वाटर डला हुआ, बाकी वेरिएशन आपका केवल नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में ही आ रहा है, ठीक है भाई, नाइट्रोजन के प्रोडक्ट में। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है। अगर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बन रहा है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +4 दे रहा है, +4 मतलब क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, एक्सेस में डला हुआ है। चलिए इन रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है, क्रिस क्रॉस करिए तो ये आपका -1 हो जाएगा, +3 हो गया, ठीक है भाई। इसमें अगर आप देखें ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पर ये 1 है, ये 5 है, क्रिस क्रॉस करिए +5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Br2Br करेंगे 0 to +3, मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन 0 to +3 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। F से जाएंगे तो 0 to -1 रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी मिलने वाला है, 0 to +5 इन केस ऑफ Br ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट डला हुआ है, ठीक है भाई। इसके केस में अगर आप देखें F दिया है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। अगर मैं फ्लोरीन के बारे में बात करूँ, 0 to -1 सेम है, परंतु अगर ब्रोमीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर Br इज हैविंग +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें अगर आप देखें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का डला हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब जो Br डला हुआ है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर जो Br डला हुआ है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का डला हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है एक्सेस में डला हुआ है। अगर आपका प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बन रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है, ठीक है भाई। इसमें आ जाइए आप, ये 0 दिया, ये 0 हो गया, ये माइनस, ये +1 हो गया, -1 हो गया, फर्स्ट वन वाला पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड वन वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, हैलोजन हैलोजन एक दूसरे के साथ में मिलकर के प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है भाई, ये पार्ट। अच्छा, इसमें अगर आप देखें ये भी 0, ये आपका क्रिस क्रॉस करिए, 1 है, ये 3 है, तो ये +3 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -1, ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो इसका आयोडीन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और ये Cl2 इसमें अगर आप देखें -1, तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका हो रहा है रिडक्शन 0 to -1। सेम इज द केस आयोडीन के केस में, 0 to +3 ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है, और Cl2 के केस में 0 to -1 रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। हाँ, ध्यान दीजिए, एक कंडीशन दिया हुआ है, ये रिएक्शन हो रही है जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल लिया जाता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इनका मोल रेशियो 1:1 है, 1:1, कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है, क्योंकि हमेशा +1 और ये -1 बहुत ही अपनी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है भाई। यहाँ पर Cl क्या हो जाएगा -1, तो फर्स्ट वन हमेशा +2 ही होगा, ऐसा नहीं होता कि दोनों -1 शो कर देंगे कॉमन के चक्कर में, नहीं तो वो प्रोडक्ट ही बनेगा ही नहीं, -1 नॉट पॉसिबल, ठीक है भाई। अगर इसमें अगर आप बातचीत करें आयोडीन के केस में,
तो इसमें आयोडीन इज फॉर्मिंग ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आयोडीन का लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसमें जो आयोडीन का प्रोडक्ट बन रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, मतलब क्या है कि इसमें अगर प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्म हो रहा है, मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका एक्सेस में डला हुआ है, एक्सेस में डला हुआ है, ठीक है भाई, एक्सेस में डला हुआ है। अब तक की रिएक्शन में जो हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है, एक सब्सटेंस का हो रहा है ऑक्सीडेशन, वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, दूसरे सब्सटेंस का मतलब रिएक्टेंट का हो रहा है रिडक्शन और वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है भाई। ये पार्ट अगर मैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन के बारे में बात करूँ, कई सारी ऐसी डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है, उनमें भी आपका रिएक्टेंट सेम रहेगा बट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट हो जाता है। और डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें सिंगल एलिमेंट का, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों होता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब क्या है कि सेम एलिमेंट या सेम रिएक्टेंट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे में हम कैसे ये रेशियो डिटरमिन करें? चलिए इन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। बोर्ड में मैंने डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन को इंक्लूड किया हुआ है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये अगर आप देखें, ये डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक भाई, मैं इसके बारे में आता हूँ। दोनों में अगर आप देखें NaOHCl2 NaOHCl2 पर दो, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिफरेंट हो रहा है। आइए सबसे पहले इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें K+O2 सेम रिएक्टेंट्स, बट यहाँ पे अगर आप देखें K2O ये कॉमन ऑक्साइड और ये जो आपका K2O2 पराक्साइड, पराक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें कॉमन ऑक्साइड ऑक्सीजन इज -1 एंड पोटेशियम इज +1, ये सिंपल पार्ट ऐसे भी कर लीजिए, 1 ऑक्सीजन है, क्रिस क्रॉस करिए, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ये 0 है, ये भी 0 है, पोटेशियम से पोटेशियम जाइए 0 to +1 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ये कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में बात करें। 0 to -2 रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसमें वो वही केस, 0 ये 0 हो गया, यहाँ पर ये +1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ऑक्सीजन पराक्साइड में ऑक्सीजन -1, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर आप देखें 0 to +1 मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, 0 to -1 मतलब क्या रिडक्शन, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये पार्ट हो गया भाई। ध्यान दीजिए, अगर मैं पोटेशियम से पोटेशियम जाता हूँ 0 to +1, इसमें भी 0 to +1 मतलब यहाँ से आप डिटरमिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गया, +1 +1 यहाँ पर 0 0। ऑक्सीजन में जाइए, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन -1 शो कर रहा है, ये -2 स्मॉलर देन -1, ठीक है, ये जो -1 है लार्जर है -2 से, ध्यान दीजिए भाई, तो मतलब ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की है, ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की हो जाती है। प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फॉर्म होता है, मतलब यह है रिड्यूसिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है। कहाँ है रिड्यूसिंग एजेंट? ये आपका एक्सेस में डला हुआ है, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अगर प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन में एक्सेस में डला हुआ है, एक्सेस में डला हुआ है, ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। चलिए हम बातचीत करते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें से सिंगल एलिमेंट का होता है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आप देखें Na+, ये भी Na+, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कहीं चेंज हो रही है Cl के केस में, ये 0 हो गया, ये -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई +1, बिकॉज Na क्या है +1, ऑक्सीजन इज -2, तो Cl क्या हो जाएगा भाई +1 - 2 = -1, तो Cl - 1 = 0, मतलब Cl यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर Cl2Cl जाते हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। में सेपरेटली लिख देता हूँ, ये स्पेस मैंने निकाला हुआ पहले से ही, Cl2 ये हो गया, Cl- ये हो गया, OCl- कर लीजिए थे, OCl- कर लीजिए, ये डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन है। ये 0 हो गया, यहाँ पे अगर आप देखें OCl में ऑक्सीजन इज -2 प्लस Cl = ओवरऑल चार्ज -1, Cl = -1 प्लस Cl2 = +1, ऑक्सीजन ये Cl आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा।
इधर जाएंगे क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ठीक है। इधर जाएंगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है, जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन, जीरो टू माइनस वन रिडक्शन, सेम मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। मतलब ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सेम इज द केस हियर आल्सो, एन ए प्लस वन ऑक्सीजन माइनस टू माइनस टू माइनस टू, हाइड्रोजन प्लस वन सी एल टू के केस में ये जीरो हो गया, यहाँ पर माइनस वन शो करेगा सी एल ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या निकलेगा, सी एल ओ थ्री माइनस सी एल ओ थ्री माइनस थ्री टू जेड सिक्स क्या शो करेगा, प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके केस में रिएक्शन क्या बनेगी, सी एल टू हो जाएगा सी एल माइनस प्लस सी एल ओ थ्री माइनस, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिडक्शन रिएक्शन है। स्पेक्टेटर आयन निकाल फेंकिए बाहर, यही मिलेगा आपको, ये जीरो हो गया, ये माइनस वन है, यहाँ पर ये क्लोरीन प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ये रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन सेम मॉलिक्यूल का हो रहा है ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तब एक ही कंपाउंड के अंदर ही रेशियो नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं भाई एक ही कंपाउंड का हो रहा है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सो ऐसा नहीं हो पाएगा। इसके केस में आप क्या करें, अब देखिए भाई इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इन जनरल अगर आप देखें तो केवल हाँ ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेट में आपको करना क्या है, इसके केस में अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बन रहा है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो आप यहाँ पर फोकस मत करिए Cl2 पर, जो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, आप फोकस करिए दूसरे सब्सटेंस पर, दूसरे सब्सटेंस पर। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब जो दूसरा सब्सटेंस है ये लिमिटेड को क्या दिया हुआ भाई, ये डायल्यूट फॉर्म में दिया हुआ है, लेस क्वांटिटी में दिया हुआ है, लेस क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी बोल सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में डला हुआ है। अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ये एक्सेस क्वांटिटी में डला हुआ है, ये हो गया भाई एक्सेस क्वांटिटी में। आप लोगों ने रिएक्शन पढ़ी होगी, जब Cl2 की रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट है Cl एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट NOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन होती है, और जब Cl2 की रिएक्शन कराते हैं हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये क्वांटिटी एक्सेस में होगी, ये क्वांटिटी लिमिटेड क्वांटिटी होगी, लेस क्वांटिटी होगी। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट बना हुआ है, मतलब क्या है कि ये आपका लेस क्वांटिटी में डला हुआ है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का प्रोडक्ट अगर बन रहा है, मतलब क्या है कि ये क्वांटिटी आपका एक्सेस में डला हुआ है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस क्वांटिटी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर क्वांटिटी, सिंपल कॉन्सेप्ट ठीक है भाई। इसके बाद में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, मैं उसको पोस्ट करता हूँ, देखते हैं हम कैसे उसको आंसर करते हैं। बोर्ड में मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें ये आपका दिया हुआ है थायोसल्फेट आयन, ये भी आपका थायोसल्फेट आयन दिया हुआ है ठीक है भाई, दोनों में थायोसल्फेट आयन दिया हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखें हैलोजन ही दिए हुए हैं, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन है ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, ये I2 से I- जा रहा है, Br2 से Br- जा रहा है, परंतु इसके केस में थायोसल्फेट के केस में थायोसल्फेट से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, सेम पैटर्न में रिएक्शन नहीं हो रही है, ऐसा क्यों भाई। अगर हैलोजन डले हुए हैं तो अगर हैलोजन को ये ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, सॉरी क्या करेगा भाई, यहाँ पर जीरो हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है इसको, अगर रिड्यूस कर रहा है हैलोजन को, अगर रिड्यूस कर रहा है तो सेम पैटर्न में रिएक्शन जानी चाहिए भाई। यहाँ पर अगर सल्फेट आयन बना रहा है तो यहाँ पर भी सल्फेट आयन, जैसे आई टू से आई माइनस चला गया, बी आर टू से बी आर माइनस चला गया, देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिन कर लेते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एस टू ओ थ्री टू माइनस दिया है, एस टू ओ थ्री एंड टू माइनस, तो टू एस प्लस थ्री माइनस टू इजिकल टू माइनस टू हो गया भाई, माइनस टू, टू एस माइनस सिक्स इजिकल टू माइनस टू, टू एस इजिकल टू प्लस फोर, एस इजिकल टू प्लस टू, यहाँ पर सल्फर शो कर रहा है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है भाई। इसमें आइए एस फोर ओ सिक्स में, फोर एस प्लस सिक्स ब्रेकर माइनस टू इजिकल टू टोटल चार्ज माइनस टू, फोर एस कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस ट्वेल्व इजिकल टू प्लस टेन, एस इजिकल टू प्लस टेन बाई फोर इजिकल टू फाइव बाई टू इजिकल टू टू पॉइंट फाइव, टू पॉइंट फाइव हो गया भाई, प्लस टू पॉइंट फाइव शो कर रहा है ठीक है भाई। ये आयोडीन आपका जीरो है, इधर माइनस वन हो गया ठीक है। अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंपेयर करना चाहें, सल्फर टू सल्फर्स ये हो गया प्लस टू से टू पॉइंट फाइव,
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है भाई। ये जीरो टू माइनस वन इन केस ऑफ आयोडीन रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया भाई, है रिडक्स रिएक्शन। इसमें आ जाइए, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम थायोसल्फेट है तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं। सल्फेट में अगर आप देखें तो आप लोगों ने कई बार कैलकुलेट किया होगा, फोर टू या एट माइनस टू प्लस एट इज टू प्लस सिक्स, यहाँ पर हो गया प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हो गया। बी आर टू के केस में जीरो ये माइनस वन हो गया, रिडक्शन हो रहा है, ये जीरो टू माइनस वन रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पर प्लस टू टू प्लस सिक्स जा रहा है इन केस ऑफ सल्फर्स, प्लस टू से प्लस सिक्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब क्या है ऑक्सीडेशन, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान दीजिए, हैलोजन के केस में ये जीरो दिया है या माइनस वन दिया हुआ है, हैलोजन के केस में जीरो दिया है या माइनस वन दिया है, सेम पैटर्न, यहाँ पर जीरो उधर माइनस, हम कुछ भी डिटर्मिन नहीं कर सकते हैं। आप आइए सल्फर के केस में, प्लस टू ठीक है, बट इधर अगर आप देखें तो ये सल्फर का जो प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ पे ये सल्फर प्लस 2.5 शो कर रहा है, इसमें जो प्रोडक्ट बन रहा है सल्फर का वो प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो इस प्रोडक्ट में सल्फर शो कर रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इस प्रोडक्ट में सल्फर शो कर रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अगर प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इट मीन्स दैट क्या हो गया भाई, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया एक्सेस में। कहाँ पर डला हुआ रिड्यूसिंग एजेंट? इस रिएक्शन में एक्सेस में डला हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, इस वजह से प्रोडक्ट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है। इसमें अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म हो रहा है, मतलब यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका एक्सेस में डला हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर प्रोडक्ट आपका डिफरेंट हो जाता है। सेम पैटर्न में रिएक्शन नहीं हो रही है, इनके कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होने की वजह से प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के फॉर्म हो जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा आपका ये दिया हुआ रिलेशन, इसको यूज करिए और ऐसी रिएक्शन को आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट, एक इम्पोर्टेंट पार्ट, आप लोगों ने देखा होगा कि इन जनरल जब आप H2SO4 को NaCl के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ये क्या है आपका न्यूट्रल सॉल्ट दिया हुआ है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसमें क्या है भाई, अगर आप देखिए प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में, प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अगर रिएक्शन कराएंगे तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा एक एच प्लस आयन रिलीज करेगा, ठीक है, तो एस से HCl निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा NaHSO4, ये प्रोडक्ट बन जाता है NaHSO4। अब देखिए ध्यान दीजिए भाई, ये गैस है, गैस निकलती है भाई यहाँ पे, इस कलरलेस गैस। अब खासतौर से अगर आप देखें H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गैसेज को ड्राई करने के लिए यूज में लिया जाता है। इन जनरल ये उन गैसेज को ड्राई करता है जो गैसेज इसके साथ में रिएक्ट नहीं करती हैं। HCl को ड्राई किया जा सकता है बाय यूजिंग H2SO4, बट अमोनिया गैस को H2SO4 को लेकर के ड्राई नहीं किया जा सकता। ये बोलते हैं कि H2SO4 इज यूज एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, गैसेज को सुखाने के लिए काम यूज किया जाता है, बट H2SO4 कैन नॉट बी यूज टू ड्राई अमोनिया गैस बिकॉज अमोनिया इज बेस और ये आपका एसिड हो गया, एसिड बेस की रिएक्शन हो जाएगी तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, तो अमोनिया गैस को ड्राई नहीं कर सकते हैं। इन जनरल जब आप H2SO4 की रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ में तो कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, मैं दूसरा हैलोजन ले लेता हूँ, ठीक है भाई, सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं H2SO4 और यहाँ पर मैंने ले लिया NaBr। ध्यान दीजिए किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर था NaCl, यहाँ पर NaBr और ये एसिड सेम डला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ NaHSO4 और यहाँ पर HBr हो गया HBr और यही HBr जैसे बनेगा फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ में, H2SO4 के साथ में, ये हो गया HBr, हो गया HBr, तो ये भी क्या बनाएगा भाई, यहाँ से Br2 निकलता है, Br2 ये SO2 गैस एस्केप होती है, H2 निकल जाता है, H2O, ये हो गया भाई। आप इसको 2 कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए, क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 Br 2 Br सल्फर सल्फर हो गया। अब भाई आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये NaCl लिया HCl बना, NaBr लिया HBr बना,
H2S4 डज नॉट रिएक्ट विद HCl, रिएक्शन ही नहीं हो रही है, परंतु यहाँ पर अगर HBr है, HBr के साथ में H2S4 की रिएक्शन हो जाती है। ऐसा क्यों? इसमें से रेड वेपर का लिक्विड बन जाता है, रेड वेपर ऑफ ब्रोमीन निकल कर के आता है। इसमें क्लोरीन गैस नहीं बनता है। अगर आप सोचें कि कैसे यहाँ Cl, जैसे Br2 यहाँ से निकल गया वैसे Cl2 भी निकल जाएगा, नहीं, ये रिएक्शन नहीं होती है। समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है। अगर आप देखें H2SO4 के बारे में बात करें, H2SO4 में सल्फर इज प्रेजेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। जो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर होता है -2 से +6 होता है, -2 से +6 अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है भाई। इसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब सल्फर के जो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे हमेशा इधर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईर तो शो ही नहीं कर सकते, प्लस सेवन थोड़ी शो करेंगे क्योंकि इसकी लिमिट ही है +6। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे मतलब क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड का हमेशा होगा रिडक्शन। जब कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे इसका होगा हमेशा रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन होगा तो ये आपका एक्ट करेगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसी भी सब्सटेंस में अगर एलिमेंट आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है भाई, अगर हम बातचीत करते हैं यहाँ पर हैलोजन के बारे में, HF, HCl, HBr, HI, ये हो गया। अब इनके बारे में अगर बात करें तो जो हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन होते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये इनका होता है रिड्यूसिंग करेक्टर बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन। ठीक भाई, अब देखिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज ऑक्सीजन एंड गेन हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए भाई, जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू रिलीज हाइड्रोजन एंड गेन ऑक्सीजन। बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट का करेक्टर डिटरमिन करना चाहें इन हैलोजन्स में, ऊपर से नीचे आइए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। हाइड्रोजन तो सेम है, हाइड्रोजन का साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसके केस में हाइड्रोजन बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। मतलब रिड्यूसिंग करेक्टर, जो सब्सटेंस जितना जल्दी हाइड्रोजन रिलीज करेगा वो उसका उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें रिड्यूसिंग एजेंट का जो करेक्टर है भाई ये आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आप कंपेयर करिए इन दोनों के केस में। इन रिएक्शंस में हम लोगों ने HCl HBr लिया हुआ है, HCl HBr, तो इन दोनों में अगर आप देखें तो कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है? HBr, HBr इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन HCl। ध्यान दीजिए भाई, और यहाँ पे हमारे पास में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला हुआ है। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में अगर आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो रिएक्शन बहुत ही अच्छे से स्मूथली चलती जाएगी। ठीक है, स्मूथली चले गए। अगर आपने वीकर रिड्यूसिंग एजेंट डाला प्रॉब्लम आ जाएगा। एक स्ट्रॉन्गर रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो HCl है H2SO4 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो डाउट अबाउट इट, बंद ये HCl दिया हुआ है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट डला हुआ है, कॉम्बिनेशन नहीं फिट बन रहा है। इसमें अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है भाई। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट अगर डले हुए हैं रिएक्शन में तो रिडॉक्स रिएक्शन होगी। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +6। सल्फर की यहाँ पर +4, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। Br- और Br0 ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सिंपल पार्ट, तो इस तरह से इन पार्ट को बहुत ही आसानी से आप कर सकते।